आज इस लेक्चर में हम रिएक्ट कंडीशनल रेंडरिंग की बात करेंगे। ये बेसिकली होता क्या है रिएक्ट कंडीशनल रेंडरिंग, कि हम यहाँ पर कंपोनेंट्स को रेंडर करवा सकते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ, ठीक है। लाइक हम यहाँ पर देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट्स को कैसे यूज करेंगे एंड देन रेंडर कराएंगे कंपोनेंट्स को। टर्नरी ऑपरेटर के द्वारा देखेंगे एंड देन लॉजिकल एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर देखने वाला है, ठीक है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझने वाली बात है, ये थर्ड पॉइंट तो आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा क्लोज कर देते हैं एंड देन चलते हैं हम अपने फाइल के अंदर, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इंडेक्स डॉट जी एस में ही कर रहा था, ये बेसिकली मेरा ओल्ड कोडेड है, ठीक है। तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, जो हमारा काम का है, अभी हम एक न्यू कोड करेंगे, तो अभी जो हमारा काम का रहता है उतना हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो ये तो आप जानती हो कि इतना हमें बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज करना ही करना होगा, ठीक है। तभी तो हम कंपोनेंट को लोड करा पाएंगे अपने रूट वाले एलिमेंट के पास, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था, जैसे कि आपको मैंने बताया कि एक मैं एग्जांपल आपको दिखाऊंगा सबसे पहले इफ इफ स्टेटमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं। लाइक मैंने बनाया, कोई भी आप बना सकते हो। लाइक ये मान के चलिए फर्स्ट प्लेयर, ठीक है। लाइक मान के चलिए फर्स्ट प्लेयर नाम का मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है। और यहाँ पर ये कंपोनेंट में हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिटर्न करा देते हैं। रिटर्न हम क्या कराएंगे, एक H1 हम रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट प्लेयर, ठीक है। एंड देन मैं क्या करता हूँ, एक और बना लेता हूँ जिसका क्या है कंपोनेंट, वो रहेगा हमारा सेकेंड प्लेयर, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। तो ये मैंने दो कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ये सेकंड प्लेयर के लिए चलेगा एंड देन फर्स्ट वाला फर्स्ट प्लेयर के लिए चलने वाला, ठीक है। और एक और मैं कंपोनेंट बनाऊंगा जिसके अंदर हम क्या करते हैं फंक्शन, ये मेरा रहेगा प्लेयर्स के लिए, ठीक है। ये मेरा प्लेयर्स के लिए रहेगा, जिसमें हम क्या करेंगे बेसिकली यहाँ पर कुछ प्रॉप्स ले रहे होंगे जो कि हम डायनेमिकली यहाँ पर सेंड करवाएंगे जब कंपोनेंट कॉल होगा। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइक जब ये रेंडर हो रहा होगा तब उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, यहाँ से जब ये रेंडर होगा तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पर प्लेयर्स, ठीक है, प्लेयर्स। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा इस तरीके से भी हम क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इज प्लेयर नाम का मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल यहाँ से एक एट्रीब्यूट एज अ एट्रीब्यूट यहाँ से हम भेजते हैं प्रॉप्स, ठीक है। तो इज प्लेयर में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसमें भेज देता हूँ मैं फॉल्स है, स्टार्टिंग में मैं फॉल्स भेज रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्लेयर मैंने फॉल्स भेजा है, तो इस केस में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे इस प्लेयर, ठीक है। तो इस प्लेयर नाम का एक मैंने वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने क्या किया, प्रॉप्स में से इस प्लेयर नाम का मैंने क्या किया, ये एट्रीब्यूट जो है एट्रीब्यूट को एज अ प्रॉप्स मैंने यहाँ पर गेट कर लिया, ठीक है। तो इस प्लेयर में उसकी वैल्यू आ चुकी होगी क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी, फॉल्स। तो इसकी वैल्यू आ चुकी है इस प्लेयर में फॉल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है। तो इस प्लेयर अगर ट्रू होता है तो ये क्या करेगा, फर्स्ट वाले कंपोनेंट को लोड करेगा जो कि हमने फर्स्ट कंपोनेंट जो बनाया फर्स्ट प्लेयर का, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपना कौन सा फर्स्ट प्लेयर, ठीक है। ये वाला मेरा कंपोनेंट जो है यहाँ से लोड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल्स में हम क्या करेंगे, अगर ट्रू होता है, सॉरी फॉल्स होता है, ट्रू होने पर तो फर्स्ट वाला जाएगा और अगर फॉल्स होता है तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा सेकंड वाला चला जाएगा, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पा रहे होंगे। अगर मैं यहाँ से इसे सेव करके और इसे रन करता हूँ तो ये क्या बोलता है, सेकंड प्लेयर इज नॉट डिफाइंड। तो सेकंड में हाँ सी नहीं लगाई हमने, तो सेकंड प्लेयर इज नॉट डिफाइंड। तो देख सकते हो यहाँ पर सेकंड प्लेयर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने मीनिंग मिस्टेक हुई है, उसकी कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी क्या हुआ, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इफ एल्स स्टेटमेंट जो मैं आपको बता रहा था, मैंने ऊपर दो कंपोनेंट्स बनाए जिनमें मैंने कुछ नहीं रिटर्न कराया, बस एक H1 पर रिटर्न करा दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया, मैंने एक प्लेयर्स नाम का जो कंपोनेंट था वो रेंडर कराया, जिसमें मैंने इस प्लेयर नाम की वैल्यू उसको फॉल्स दे दी और मैंने एज अ प्रॉप्स यहाँ पर गेट कर लिया। उसकी वैल्यू जो आएगी इस प्लेयर के अंदर आ जाएगी। अगर फॉल्स होता है तो वो सेकंड प्लेयर को रिटर्न करेगा, सेकंड प्लेयर वाले कंपोनेंट को। अगर ट्रू होता है तो फर्स्ट प्लेयर को करेगा। तो अभी ऑब्वियसली बात है ये फॉल्स है, तो ये सेकंड प्लेयर को रन कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहीं पर इसे ट्रू कर देता तो ये फर्स्ट वाले प्लेयर को मेरे को यहाँ पर रेंडर करता। तो देख पा रहे हो, ये हमारा समझ में आ चुका होगा कि आपको कैसे ये रन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि एक होता है टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर को आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो इसी का एक थोड़ा, इसे आप बोलते हो शॉर्ट हैंड वर्जन, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड तरीका बोलते हो आप उसे, ठीक है। तो उसको आप कैसे करोगे, यहाँ पर आपने लिखा रिटर्न, और यहाँ पर आप क्या करा रहे हो, बेसिकली आपको पता ही है कि यहाँ से एक से ज्यादा लाइन होगी, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सिंपल एचटीएमएल टैग्स का यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इज गोल, सॉरी इज प्लेयर, ठीक है। तो इज प्लेयर क्वेश्चन मार्क, एंड देन अगर इज प्लेयर ट्रू होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट प्लेयर को यहाँ से रिटर्न कर देंगे, और यहाँ पर कॉलन लगा करके हम एल्स में क्या करेंगे, सेकंड प्लेयर को यहाँ से क्या करेंगे, रेंडर कर देंगे, ठीक है। तो बस इतना काम करना था, और अभी आप तो रन करके देखोगे तो अभी आपको फर्स्ट प्लेयर ही आएगा, ठीक है। अगर मैं इसे फॉल्स करता हूँ तो अभी मेरे को आ जाएगा सेकंड प्लेयर, देख सकते हो गाइस, ये इस तरीके से भी वर्किंग कर रहा है, ठीक है। तो हमने इतना जो इफ एल्स लिख रहे थे वो हमने एक एक शॉर्ट हैंड तरीके से कर दिया। अगर आपके पास इफ एल्स है तो इस तरीके से तो फिर नहीं कर पाओगे, पर हाँ अगर आपके पास इफ एल्स कंडीशन है तो आप शॉर्ट हैंड वर्जन यूज कर सकते हो, जिसे आप टर्नरी ऑपरेटर बोलते हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको कैसे करना है। एंड देन गाइज अब हम बात करेंगे किसकी, लॉजिकल ऑपरेटर की, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर लाइक एंड एंड का कैसे आपको यूज करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले आप क्या करिए, मैं यहाँ से इन सभी को हटा लेता हूँ जो हमारे कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं। तो मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ लाइक गैरेज नाम का, ठीक है। तो गैरेज, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये भी कुछ प्रॉप्स ले रहा होगा, ठीक है, जो कि आप यहाँ से पास कर रहे होंगे। तो लाइक मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसका नेम पास कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी ये क्या कर रहा होगा, ये बेसिकली एक एरे ले रहा, मतलब एरे यहाँ से क्या कर रहा होगा, अपने साथ रेंडर करवा रहा होगा, ठीक है, मतलब एक एट्रीब्यूट के साथ। तो मान के चलिए एक वेरिएबल है कार्स नाम का, ठीक है। इसमें क्या है, एरे में कुछ कार्स रखी हुई है, लाइक फर्स्ट वन इज आपकी ऑडी, सेकंड वन इज आपकी फोर्ड, ठीक है, और थर्ड वन इज आपकी फॉर्च्यूनर, ठीक है। तो ये आपका कोई एरे है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ से हम एक एट्रीब्यूट बनाएंगे, ये तो मेरा ओल्ड एट्रीब्यूट है, मैं यहाँ से क्या करूंगा कार्स नाम का एक एट्रीब्यूट क्रिएट किया, और यहाँ से मैं क्या करूंगा इस सॉरी ब्रैकेट्स के साथ मेरे को पास करना होगा कार्स, ठीक है। तो ये मैंने पास कर दिया, ये मैंने प्रॉप्स के द्वारा यहाँ पर जो है इस कंपोनेंट के अंदर गेट भी कर लिया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाया कार्स नाम का, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, प्रॉप्स डॉट और कार्स मैंने यहाँ पर सारी की सारी जो है ले ली कार्स, और मैं यहाँ से अब क्या करूंगा, रिटर्न करता हूँ। तो सिंपल एचटीएमएल यहाँ पर हमने क्रिएट की हुई है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक एच वन बना लेता हूँ, एच वन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करता हूँ कि मान के चलिए ये मेरा गैरेज है, तो मैंने एक हेडिंग दे ली गैरेज, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर बताऊंगा कि मेरे गैरेज में कितनी कार्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जो एंड एंड ऑपरेटर का है वो काम क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो जीरो से जितनी बड़ी होंगी कार्स, मतलब जीरो जैसे मान के चलिए ये एरे आ रहा है, ठीक है। अगर इसमें जीरो से ज्यादा वैल्यूज होती हैं, लाइक मान के चलिए वन होती हैं, टू होती हैं, थ्री होती हैं, तो वो यहाँ पर शो करना चाहिए, ठीक है। तो उस यहाँ पर ध्यान से देखिए, कार्स डॉट लेंथ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कार्स डॉट लेंथ, ठीक है, क्योंकि आपने ऊपर एक वेरिएबल बनाया कार्स, ठीक है। तो कार्स डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन होता है जीरो से, एंड देन एंड एंड, अब यहाँ पर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हो समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, एंड एंड। पर देखिए अभी क्या चाहते हो आप, लाइक यहाँ पर एचटीएमएल भी आप इसके साथ पास करना चाहते हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से पास कर सकते हो, लाइक मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एच टू बना लेते हैं, सॉरी एच टू, इसको हम थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो एच टू बनाया है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये कार्स डॉट लेंथ हो, मैं यहाँ से थोड़ा हटा लेता हूँ, और यहाँ पर मैं बोलूंगा कि यू हैव, और मैंने यहाँ पर बोला कार्स डॉट लेंथ, मतलब इतनी कार्स आपके पास हैं, कार्स इन योर गैरेज, ठीक है। मैंने इतना काम किया, और मैं यहाँ पर इसे सेव कर रहा हूँ, रिफ्रेश करूंगा, तो देख सकते हो यहाँ पर गैरेज में कितनी है, यू हैव थ्री कार्स इन योर गैरेज, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो एंड एंड का काम क्या है, या तो आप एक साथ यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स का यूज कर पा रहे थे, लाइक कार्स डॉट लेंथ एंड देन दिस वन। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, लाइक अगर आप इसे यहाँ पर ऊपर लिख देते हो कार्स डॉट लेंथ को, अभी यहाँ से आपने कट किया और यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया, तो अब आपको एरर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आप एचटीएमएल यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर वही चीज पास करें जो आपको यूजफुल लग रहा है, ठीक है। अभी एंड एंड में क्या होता है, आप यहाँ पर ये कंडीशन को चेक करेगा, हाँ ये ग्रेटर देन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंड एंड में क्या करेगा, ये एचटीएमएल के साथ यहाँ पर कंकेटिनेशन यूज कर रहा है, ठीक है।
तो ऐसे हम यहाँ पर एंड एंड का यूज कर पा रहे हैं जैसा कि अभी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या किया, फिर यू हैव कार्स डॉट लेंथ, उसने इतनी कार्स आपको शो करा दी। अगर बाय द वे मान के चलिए मेरे इस एरे में कोई भी डेटा नहीं होता, मतलब ये एम्प्टी होता है, ठीक है, मैंने एम्प्टी किया, तो क्या अभी ये रन होता, नहीं होता, क्योंकि कार्स डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 होगा तब हमारी ये एचटीएमएल चलेगी, वरना नहीं चलेगी, ठीक है। तो अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो देख सकते हो ओनली गैरेज ही आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको जो कंडीशनल ऑपरेटर समझ में आए होंगे कि कैसे आप कंडीशनल के साथ रेंडर करा पा रहे हैं अपना डेटा। तो हमने देखा कि टर्नरी ऑपरेटर को हमने कैसे यूज किया, इफ एंड एल्स को यूज कैसे किया, और एंड एंड का तो आपको काफी इंपॉर्टेंट समझ में आया होगा कि हम जब यहाँ पर चेक करना चाहते हैं फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, एंड देन हमारी क्या हो यहाँ पर एस्टिमेट रन हो, तब हम यहाँ पर इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।